अब इतनी जब बड़ाई होने लगी संसार में कबीरदास जी की, तब कबीरदास जी ने सोचा कि अब थोड़ा मेरी भक्ति को खतरा है। ध्यान देना, जब ज़्यादा बड़ाई होने लगे, बहुत प्रशंसा होने लगे, तब ठोकर लगने का बड़ा खतरा रहता है। लोक मान्यता अनल सम करतप कानन दाहू। लोक मान्यता जो होती है ना, वो अनल अग्नि के समान होती है। दिखने में बड़ी मान बड़ाई प्रतिष्ठा बढ़िया लगती है, पर ये साधु के लिए बड़ी घातक होती है। व्यास बड़ाई जगत की कूकर की पहचान। हरिराम व्यास जी कहते कितनी बड़ी बात है, हम जैसे लोग कहाँ समझ पाएंगे। हमारी तो कोई दो बड़ाई के शब्द बोल दे तो फूल जाते हैं। हाँ, हम ते बड़ो कोई वक्ता ही ना है। व्यास बड़ाई जगत की कूकर की पहचान। प्रीति किए मुख चाटे वैर किए तन हानि। व्यास बड़ाई और की मेरे मन धिक्कार। व्यास जी कहते हो कोई और की बड़ाई हो तो बड़ा प्रसन्न होता, पर मेरे मन धिक्कार। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा सूकर की विष्ठा के समान होती है, ऐसा शास्त्र बार बार कह रहे हैं। अब क्या करूं जो मैं इस प्रतिष्ठा से दूर भाग सकूं? तो कबीर दास जी ने एक अलग ही प्रपंच रचा। क्या किया कबीर ने? बड़ाई से बचने के लिए एक वेश्या को कुछ पैसे दिए और कहा कि आज मैं तेरे ठिकाने पर आऊंगा जहां तू रहती है, तेरे साथ रहूंगा। लोग मुझे देखेंगे कि वेश्या के साथ बैठा है तो जगत में मेरी बड़ी बुराई होगी, लोग धिक्कार करेंगे मेरा, और फिर मैं इस प्रशंसा इस बड़ाई से बच जाऊंगा। ऐसा ही किया कबीरदास जी ने। एक बोतल लेके गिलास में जहाँ सारे मदरा पीते हैं वहाँ उन्होंने गंगा जल भर के बैठे, गंगा जल भर के गंगा जल पान कर रहे। एक वेश्या सामने बैठी है, लोग आते जाते देखते जा रहे, हाथ में कुछ लगा है गिलास। अब कोई झांक के थोड़ी देखे कि गंगा जल है कि क्या है। सब ने कहा कि कबीर बैठा बैठा वेश्या के साथ मदरा पी रहा। यही कुसंग का सबसे बड़ा परिणाम होता है कि आप चाहे अच्छा भी काम करो पर कुसंग के साथ बैठोगे तो दुनिया में बदनामी ही होगी। तो वेश्या के साथ कबीरदास जी को देखा तो सब जगह ये स्वांग तो रच लिया, पर जो सच्चे संत थे वो जानते थे कि कबीर ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ तो बात है, इसका कोई तो भाव है। सब संतों ने जाकर के कबीरदास जी से निवेदन किया, हे कबीरदास जी, हम जानते हैं इसके पीछे कोई आपकी लीला है, पर हाँ एक निवेदन आपसे है, आप भले ये लीला कर रहे हो पर आपकी ये लीला करने के कारण लोग आगे चल करके जो संत स्वरूप है उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, संतों की निंदा होने लगेगी, और सबसे बड़ी बात जब आपका नाम लिया जाएगा लोग पूछेंगे किसका शिष्य है। तो भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का नाम आएगा और उनके नाम पर कलंक लगेगा। इसलिए महाराज आप इस स्वांग को खत्म करिए। अब आपको कोई चमत्कार दिखाना पड़ेगा जिस चमत्कार से दुनिया समझ जाए कि आपने जो किया वो केवल स्वांग मात्र था। तो क्या चमत्कार करे? विचार आया कबीरदास जी को कि हम राजा के पास पहुंच जाएं। राजा के पास जाकर के श्री कबीरदास जी एक लीला करते हैं। कबीरदास जी ने अपने उस कलंक को हटाने के लिए एक चमत्कार दिखाया। राजा के दरबार में पहुंचे, जो राजा कबीरदास जी को देख के एकदम आसन से खड़ा हो जाता था, प्रणाम करने लगता था, आज
वो बैठा रहा, कबीरदास जी को देख करके भी बैठा रहा, ना प्रणाम किया ना हाथ जोड़े। तब कबीरदास जी ने एक चमत्कार दिखाया। कबीरदास जी सभा में बैठे थे, बैठे बैठे ही कबीरदास जी ने जगन्नाथ भगवान का ध्यान किया, और जगन्नाथ भगवान का ध्यान करते करते मानस मन से ही, मानसिक रूप से ही जगन्नाथ जी पहुंच गए। और वहाँ उन्होंने क्या देखा, एक जगन्नाथ भगवान का एक पंडार रसोईया हाथ में थाल लेकर के, उस थाल को सजा करके ठाकुर जी के समक्ष ले जा रहा था। और जैसे वो लेकर के थाल जा रहा है, उसके मार्ग में एक अग्नि का दहकता हुआ अंगारा पड़ा था। पन्ना को ध्यान ही नहीं रसोईये को कि आगे अंगारा है, वो चलता ही जा रहा है। तब श्री कबीरदास जी ने उसे देख लिया और उनके हाथ में एक जल का पात्र था, उस पात्र को लेके जहाँ सभा में बैठे थे वहीं उन्होंने पानी अंगारे पर डाल दिया। अब सभा में राजा को तो ये दिखाई दिया कि उन्होंने पात्र में पानी फैला दिया, और जब पूछा कबीरदास जी को कि ये जल आपने यहाँ क्यों फैला दिया, तो कबीरदास जी ने बताया कि ये जल जगन्नाथ जी के पंडा जी हैं, उनका पांव जलने वाला था, उनको बचाने के लिए उस अंगारे पर हमने पानी डाल दिया। अब राजा ने दूत से पता कराया कि पता करो क्या ऐसी घटना जगन्नाथ जी में हुई है, और जब दूत ने पता किया तो ये वास्तविक घटना थी। ये देख करके राजा समझ गया कि कबीरदास जी कोई अद्भुत सच्चे महापुरुष हैं, और आकर के पुनः कबीर के चरणों में राजा गिर पड़ा और श्री कबीरदास जी ने उसको क्षमादान दिया।